हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर, जो फैक्टर इफेक्ट करते हुए कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ आयंस में। हमने पढ़ा था कि एक मेटेलिक कंडक्टेंस होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है। मेटेलिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रॉन्स की आयंस की वजह से क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। वहां पर पॉजिटिव करनेंस आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, जितने ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आइंस टूटेंगे, जितने ज्यादा ब्रेकडाउन होगा उतने ज्यादा कंडक्टेंस होगी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता अपने पास, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, किसके वजह से वो बढ़ता है, किसके वजह से वो घटता है। ठीक है, तो क्यों जो कंडक्टेंस होती है वो घटती और बढ़ती रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं आराम से। ठीक है, अपने पास टॉपिक आज का फैक्टर अफेक्टिंग, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम फैक्टर की अगर बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर अपने पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टर की बात कर लेते हैं बेटा, कौन सा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कहता है। देखिए, हमने पढ़ा था दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अपने पास, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहता है कि कितने आयंस में ब्रेक होना। ठीक है, जितने ज्यादा आयंस में ब्रेक होता है उसको उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, कोई रिएक्टेंट है वो आपके पास, या फिर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट को बोलूं, वो इलेक्ट्रोलाइट कितना ब्रेक हो रहा है वो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बताता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ब्रेक होते हैं इसलिए उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोसिएट होते हैं इसलिए उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। तो यहां पर अपने दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, मोर डिसोसिएट। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा मोर होता है, ज्यादा होता है इसीलिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस होता है इसलिए। अगर मैं कंपेरेटिवली बात करूं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस है, मीन्स लेस आयन प्रोड्यूस होंगे, यही चीज होगी, लेस आयन प्रोड्यूस होंगे। अब जब कम आयन मिलेंगे तो नॉर्मल सी चीज है, अपने पास क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन तो डिपेंड करता है अपना किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन डिपेंड करता है जितने ज्यादा आयंस होते हैं मोर आयंस के ऊपर। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा क्या होगी अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब आयंस कहां मिल रहे हैं इसके केस में, क्योंकि ज्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा अपने पास क्या मिलते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलते हैं। तो मैं यहां से एक बात बोलूं, मैं ये चीज लिख सकता हूं यहां से कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा बट कंपेरेटिवली कम होगा, कंपेरेटिवली कम होगा। दूसरा फैक्टर अपने पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, दूसरा हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या कहता है, अब सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं, हमने ऐसा सॉल्वेंट ले लिया जो जिसके जो मॉलिक्यूल्स थे वे ज्यादा पास थे,
ज्यादा पास थे मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था उनमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब ये होगा कि वे कम ब्रेक डाउन होंगे, कम ब्रेक डाउन होने का मतलब होगा कि वे कम आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस चीज को हम बताने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अपने पास कौन सा वर्ड होता है कि विस्कोसिटी का हम यहां पर यूज करते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, अपने पास एक गाढ़ापन होता है। ठीक है, जैसे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये अपने पास यहां से एक रिलेशन मिलता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि विस्कोसिटी अगर मैं वाटर की और हनी की डिस्कस करूं तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा गाढ़ापन होता है। मॉलिक्यूल्स में आयंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मींस लेस डिसोसिएट, अगर लेस डिसोसिएट होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कम आयन प्रोड्यूस करेंगे, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम होगा। बट यहां पर हमने क्या कहा कि इसका ऑपोजिट होना चाहिए, इस केस में ऑपोजिट होगा। ठीक है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अलावा क्या होगा, इसलिए मोर डिसोसिएट, मोर डिसोसिएट मींस मोर आयंस मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा। मींस इसकी विस्कोसिटी क्या है, लेस है, और इसकी विस्कोसिटी क्या थी, मोर ज्यादा थी। तो ये यहां से क्लियर हो जाता अपना। थर्ड पॉइंट है, हम मान लेते टेम्परेचर। अब नॉर्मल सी चीज है, टेम्परेचर क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर कैसे होता है। अगर आप सपोज आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपके पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है। अब हम जैसे इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था मॉलिक्यूल्स के बीच का वो कम हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू द बॉन्ड डिसोसिएशन, इनके बॉन्ड डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बॉन्ड डिसोसिएट क्यों होंगे, क्योंकि हमने उसको हीट कर दिया है, और जितने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे उतना ही अपने पास आयंस प्रोड्यूस होंगे, जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे अपने पास उतना ही अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की। कोई डाउट। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होता है, दो आयन्स के बीच का अट्रैक्शन। जितना लेस इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे उतना ही अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के। तो ये अपने पास रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इन्हीं का डिस्कस करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहीं से आ जाता अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास फैक्टर होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी किस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर अपने जो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर और इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा एक होता है अपने पास कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो चीज हम पढ़ेंगे। एक बार इसको उतारिए, उतार लिया, मिटा दें। ठीक है, चलिए देखते हैं।
उस टॉपिक को सेपरेट ही पढ़ेंगे। देखिए मैं कुछ आपको पहले बता दूं, उससे पहले कि अपने पास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं क्या होता है। हम बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। थोड़ा सा कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, जिसको कि आप कप्पा से रिप्रेजेंट करते हो, जिसको कि आप कप्पा से रिप्रेजेंट करते हो। हमने पढ़ा था कि अपने पास ये क्या चीज बताती है, टोटल कंडक्टेंस को बताती है किसी कंडक्टर के, ठीक है, उसके बारे में बताती है, ठीक है। तो हम इस वर्ड्स को यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि इसका यूज होने वाला है। तो ये बताती है टोटल कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर इन 1 ml सॉल्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 ml सॉल्यूशन में, 1 ml सॉल्यूशन में एक कंडक्टर की कितनी कंडक्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द के, मींस स्मॉल के होता है, इसको कप्पा बोलते हैं हम यहां से, के तो नहीं होता इसके में, थोड़ा सा इस साइन में यू होता है, ठीक है, तो कप्पा बोलते हैं इसको। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता, तो ये रिप्रेजेंट करती है कि टोटल कंडक्टेंस कितनी कंडक्टेंस होगी किसी कंडक्टर की, कितने में 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, ठीक है। दूसरा वर्ड जो अपने पास आता है, वो होता है अपने पास मोलर कंडक्टिविटी का। क्या होता है अपने पास? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस हम यहां पर बोल सकते हैं, तो उसको भी लिख लेते हैं जिसका यूज होना है। मोलर कंडक्टेंस जिसको कि लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा एम है अपने पास, ये क्या बताता है? ये बताता है अपने पास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का प्रोड्यूस होना। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस जितने भी बनते हैं उनका प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है अपने पास, ये बात करता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस मैं लिख लू यहां पर, टोटल नंबर ऑफ आयंस के बारे में कौन बताता है? अपने पास मोलर कंडक्टेंस बताती, जिसका अपने पास फॉर्मूला था के अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स अपने पास यहां पर क्या, मोलरिटी इनटू 1000। दिस इज द टू मेन पॉइंट विच आर इंक्लूड इन द नेक्स्ट फैक्टर, जो कि हम नेक्स्ट फैक्टर में यूज करेंगे। इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। एक बार फिर से देख लेना ध्यान से कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कि कप्पा होता है अपने पास, वो बताता है टोटल कंडक्टेंस कितने में, 1 ml सॉल्यूशन में, या फिर हम इसको बात करते हैं कितने में, 1 cm जहां की लेंथ होती है और 1 cm स्क्वेयर एरिया होता है किसी कंडक्टर का, उसके अंदर की बात करते हैं। और यहां पर हम बात करते हैं टोटल कंडक्टेंस, यहां पर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, टोटल नंबर ऑफ आयंस में होगा और ये 1 ml सॉल्यूशन की बात करेगा, ठीक है, या फिर कंडक्टर की लेंथ कितनी हो 1 cm और एरिया 1 cm स्क्वायर उसकी बात करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पास जो नेक्स्ट फैक्टर है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ एक टर्म्स हैं जिनके ऊपर अपने को ध्यान देने की जरूरत है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए पहले तो कंसंट्रेशन को समझते क्या होता है। कोई चीज कंसंट्रेटेड कब होती है? कंसंट्रेटेड होती है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स में, तो उसका मैं क्या बोलूंगा कि कोई चीज कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सॉरी ज्यादा है, तो मैं एक चीज बोलूं कि अपने पास क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस होगा।
ऑब्वियसली बात है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बताता है कितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटेंगे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो हम ये बोल रहे हैं कि लेस आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये चीज बताती है अपने पास। तो यहां से कुछ ना कुछ हम एक चीज बोल सकते हैं किस प्रकार से होती है, कंसंट्रेटेड कोई चीज होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, जहां पर कम आयन प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर लैम्डा एम की वैल्यू कम होगी, क्योंकि लैम्डा एम किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, जहां पर आयंस ही कम मिल रहे हैं वहां पर लैम्डा की वैल्यू होगी, इसी बात में कम होगी, ठीक है। देखते हैं कैसे होती है। अब अपने पास एक पॉइंट है यहां पर कि हमने ये तो बता दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, कम होता है, किस तरह से होता है। अब अपने को एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि जो अपने पास कंडक्टेंस होती है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। क्या? कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ठीक है। ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देना, देखना कि डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। क्यों होती है देखना अभी। डाइल्यूशन का मतलब है लेस कंसेंट्रेटेड, लेस कंसेंट्रेशन, है ना। लेस कंसेंट्रेशन का मतलब अपने पास कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं, मीन्स मोर आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मोर आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अपने पास, हमने पहले ही लिखा था नंबर ऑफ आयंस के ऊपर कौन डिपेंड करता है, मोलर कंडक्टेंस। तो हमने यही चीज यहां पर लिखी है कि कंडक्टेंस अपना डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोर आयंस के ऊपर, और डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है। ये चीज हमने यहां से रिलेट करके देख लिया। चलिए इसकी भी बात हम कर लेते हैं। अब हम एक बात कर लेते हैं कि एक ग्राफ बनता अपना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में, एक ग्राफ बनता अपना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, ये अपना एक ग्राफ बनता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का कंसंट्रेशन के ऊपर हमने यही तो बात की है, उसके बीच में ग्राफ बनता है जो कि अपना एक इक्वेशन होती है डी बाय हकल ओनसेगर इक्वेशन, डी बाय हकल ओनसेगर इक्वेशन। तो डी बाय हकल ओनसेगर इक्वेशन ये क्या बताती है अपने पास, ये एक इक्वेशन होती है, ये होती है अपने पास लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम एट इनफिनिटी डाइल्यूशन माइनस बी अंडर रूट ऑफ सी, एक रिलेशन देती है। बट आपको अभी बस ये जस्ट रिलेशन ध्यान रखना है किस तरह से होता है। अब इसके और इसके बीच का ग्राफ मिलता है अपने को, कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ मिलता है जो कि इस थ्योरी इस इक्वेशन के थ्रू मिलता है अपने को। तो यहां पर क्या कंसंट्रेशन है और यहां पर क्या है लैम्डा एम है। लैम्डा एम अपने को रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होना, कंसंट्रेशन अपने को क्या बताती है, कंसंट्रेशन अपने को क्या बताती है कि कोई चीज डाइल्यूट कंसंट्रेटेड है, तो मींस कोई चीज कंसंट्रेटेड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, मींस लेस आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि मोलर कंडक्टेंस, मोलर अपने पास कंडक्टेंस होती है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कहीं ना कहीं यही मतलब है। चलिए देख लेते हैं, ग्राफ बना के देख लेते हैं अलग अलग केस में। मैं पहला ग्राफ लेता हूं यहां पर, फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा। चलिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं, यहां पर मैं मान लेता हूं लैम्डा एम अपने पास और यहां पर क्या है अंडर रूट सी है, कंसंट्रेशन है। अब
इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज होगी। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या कि लेस आयन प्रोड्यूस होना। इसका मतलब जब हम एक डाइल्यूशन के साथ इनका एक ग्राफ देखते हैं कि जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, ठीक है, वो हम एक ग्राफ देखेंगे। अब हमने देखा कि जैसे हम उसको डाइल्यूट करते चलते हैं एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक, तो अपने पास डाइल्यूशन पर क्या हुआ, कम कंसंट्रेशन हो गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया, मोर आयंस प्रोड्यूस हो गए। इट मींस कहीं ना कहीं कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो गई। कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब अपने पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंक्रीज होना, क्योंकि हमने इतना पानी ऐड कर दिया। सपोज दिस इज ए कंटेनर और यहां पर कुछ एक आयंस थे अपने पास। ब्रेक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पहले भी होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका हाई होता है हालांकि, और ये 100% डिसोसिएट हो भी जाते हैं, बट हमने क्या किया इसमें और पानी ऐड कर दिया। अब आयंस दूर दूर तो थे ही पहले ही क्योंकि वे ब्रेक हो गई थी, परंतु और पानी के ऐड करने से यहां पर क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो आयंस पहले सपोज करके चलो पहले इतनी ही वॉल्यूम थी यहां पर, तो आयंस यहां पर होंगे, थोड़ा नजदीक होंगे, और यहां पर डालने के बाद पानी तो जो यहाँ के आयंस और दूर भागे होंगे। देखना अब यहां से यहां तक का गैप वो इंक्रीज हो गए, इंक्रीज हो गया तो भी और ज्यादा दूर चले गए। मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब मैं डाइल्यूशन की बात करता हूं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तो अपने पास जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होती है, वो इंक्रीज होती है, डाइल्यूशन पर इंक्रीज होती है। तुम अपना कुछ ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होगा, देखना क्यों होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज हो रही है, तो जरा ध्यान से देखना कि मोलर कंडक्टेंस की जो अपनी वैल्यू थी वो कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक थी, कम थी। जैसे ही हमने इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट किया, मींस इस डायरेक्शन में डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, तो अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस थे वे जितने पहले तो दूर थे, फिर वे उससे और ज्यादा दूर चले गए। मीन्स ज्यादा आयंस का प्रोड्यूस होना और दूर चले जाना, तो अपने पास क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा, मैं क्या बोलूंगा इसको, एक माइन्यूट सा इंक्रीज मिलेगा। किसके केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो कितना इंक्रीज मिला अपने को डाइल्यूशन पर, यहां से लेकर यहां तक का इंक्रीज मिला। कब? जब हम इसको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले जाते। This is the graph in between the concentration and the molar conductance at infinite dilution for the weak electrolyte. हम इसी तरह से वर्क करेंगे। तो हम इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करके इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, अपने को वैल्यू मिल जाती है। बट इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट सेम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या था अपने पास, लैम्डा एम कंसंट्रेशन थी आपका मोलर कंडक्टेंस, और यहां पर क्या थी एम डॉट ऑफ सी। इस डायरेक्शन में अपने पास लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो अपने पास कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने का मतलब क्या बेटा यहां पर, कि वही फिर से यही चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का लेस होना। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले ही कम होता है, ठीक है ना। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, ऊपर से आपने क्या कर दिया कि जो भी आपके पास आयंस थी उसमें और पानी ऐड कर दिया, पानी के ऐड करने से ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। इट मींस डाइल्यूशन पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था पहले कम था, बट आयंस पहले जितने ब्रेक हो रहे थे ना पानी डालने की वजह से वे ज्यादा ब्रेक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। अब आयंस बहुत दूर दूर तक भाग जाएंगे,
इस केस में होता क्या है कि वे इतने ज्यादा दूर हो जाते हैं कि उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पर भी इंक्रीज हो रहा था बट यहां पर थोड़ा सा हो रहा था, यहां पर क्या करता है शार्पली इंक्रीज, शार्पली इंक्रीज हो जाता है। अब शार्पली इंक्रीज हो जाता है तो ग्राफ अपने पास कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा ही होगा। क्यों? यहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा थी तो अपने पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम थी। अब देखना जैसे ही हम इसको डाइल्यूट करते गए, इस डायरेक्शन में आते गए, डाइल्यूट करते गए यहां तक पहुंचे तो इसका डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट हो गया था, इस तरफ चलते 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 हो गया था। अब चलने से क्या हुआ कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंचा तो एकदम उसकी शार्पली इंक्रीज होगी वैल्यू, शार्पली इंक्रीज होगी तो मैं यहां पर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख लूं। बट क्या होता है, क्या होता है कि कंसेंट्रेशन का जीरो वाला ग्राफ अगर अपने पास, इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल होता। कंसेंट्रेशन जीरो का मतलब क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ग्राफ के यूज करके अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी मुश्किल होती है, इसलिए इसके लिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। हम यूज करते हैं एक थ्योरी अपने पास, कौन सा होता है हम इसको बताने के लिए अपने पास होता है क्या? कोलरास लॉ। वीक इलेक्ट्रोलाइट को बताने के लिए अपने पास क्या होता है? कोलरास लॉ होता है, जो कि अपने पास इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों एकदम हाई होता है उसको बताता है। तो कोलरास लॉ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोलरास लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप ग्राफ से ही उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एकदम इंक्रीज होने की वजह से, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होने की वजह से ग्राफ शार्पली इंक्रीज हो जाता ऊपर की तरफ। शार्पली इंक्रीज होने की वजह से हम उस चीज को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने को रिक्वायरमेंट होती है कोलरास लॉ की। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहां तक था, इसको उतारिए। इसके बाद हम कप्पा का और मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ एक रिलेशन पढ़ेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि कप्पा के ऊपर जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है वो उसका डाइल्यूशन का, तो हमने पढ़ लिया कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पर। हम पढ़ेंगे कप्पा कैसे उसके साथ रिलेट करता है और अपने साथ मोलर कंडक्टिविटी का, हालांकि हमने पढ़ लिया किस तरह से रिलेट करता है। तो एक बार इसको उतारिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। उतार लिया, मिटा दे, चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया आपका, जो कि आपका जेई के लिए, आपका पीएमटी में हायर स्टैंडर्ड की बात करूं तो मैं आपका जेम में और नेट के अंदर भी इसका यूज होता है। ठीक है, हर जगह इस टॉपिक का यूज होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको करवाऊंगा जो नेट के हैं, जेई के क्वेश्चन है, जेम के क्वेश्चन है, हम एक बार ये कंप्लीट हो जाए। अब तक तो हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, जब लास्ट जो लेक्चर बनाएंगे वो लास्ट लेक्चर में हम पीएमटी से लेकर पीएमटी जेई जेम, ठीक है, नेट और गेट सभी के इंक्लूड करेंगे टॉपिक्स। ठीक है, सभी के न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करेंगे, वहां से हम देख लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, अपने पास एक रिलेशन आता है, कहते हैं कि अपने पास कि कप्पा का रिलेशन देखते हैं कि किस तरह से वो कंडक्टेंस के साथ क्या होता है उसका रिलेशन देखते हैं। कहते हैं कि लैम्डा एम तो इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, ठीक है, लैम्डा एम इंक्रीज विद डाइल्यूशन, बट कप्पा मींस अपने पास क्या था, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद डाइल्यूशन, वाई, क्यों होता है ऐसा, वो चीज देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब देखना ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
हमने पढ़ा कि लैम्डा एम अपने पास रिप्रेजेंट करता है, वहां पर हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ आयंस को, टोटल नंबर ऑफ आयंस। अब जितना ज्यादा हम सपोज मान लेते हैं ये कंटेनर है, इसके अंदर कुछ हमने सॉल्यूशन दिया, इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस तो प्रोड्यूस हो रहे थे, बट जैसे हमने पानी ऐड किया, पानी के ऐड करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से क्या हुआ कि जो आयंस पहले नजदीक थे वे थोड़ी और दूर भाग गए और ज्यादा डिसोसिएट हो गए, तो अपने पास आयंस कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गए। आयंस का इंक्रीज हो जाना मींस अपने पास आयंस का इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस का इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई, यही चीज थी। बट कप्पा क्या कहता था, कप्पा कहता है कि टोटल कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की टोटल कंडक्टेंस इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, किसमें 1 ml सॉल्यूशन में, या तो उस कंडक्टर का 1 cm लेंथ और एरिया 1 cm स्क्वायर हो, सपोज मैं 1 ml की बात कर लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं स्टार्टिंग में कि अपने पास ये तो इसके लिए रिप्रेजेंट कर दिया, चलिए ठीक है हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, दिस इज सेकंड डायग्राम। हम मान लेते अपने पास यहां पर कोई एरिया था, हम 1 ml सॉल्यूशन मान लेते हैं स्टार्टिंग में, मान लेते इतना ही था, ठीक है। हमने कप्पा बताता है इस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या टोटल कंडक्टेंस को बताता है ये चीज। अब हमने क्या किया, इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, वाटर के ऐड करने से क्या हुआ कि यहां के जो आयंस थे वे दूर दूर भाग गए। सपोज यहां पर पहले 5 आयंस थे मान लिया 1 ml सॉल्यूशन में, वे 5 आयंस क्या हो गया, जैसे ही हमने पानी ऐड कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो एक आयंस यहां से निकलकर यहां पर भाग गया, दूसरा निकल के यहां पर भाग गया, तीसरा निकल के यहां पर भाग गया, इस तरह से भागना स्टार्ट हो गया। अब ये कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो होता 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, 1 स्पेसिफिक के अंदर कितनी कंडक्टेंस उसको बताता है, बट अगर अब यहां पर हम कंडक्टेंस की बात करें तो 1 ml सॉल्यूशन में 1 cm³ के अंदर, 1 cm³ के अंदर अपने पास टोटल नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, टोटल नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए तो उतना ही कम अपने पास क्या होगी, कंडक्टेंस होगी, उतनी कम कंडक्टेंस होगी। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती, देखो टोटल सॉल्यूशन के अंदर एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, यहां पर जितने ज्यादा आयंस थे उतना ही कप्पा की वैल्यू ज्यादा थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा थी, परंतु यहां पर डाइल्यूट करने की वजह से आयंस बाहर भाग गए, दूर दूर चले गए, तो यहां पर कंसंट्रेशन हो गई कम, कंसंट्रेशन कम हो गई इट मीन्स कप्पा की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो मैं यहां से रिलेशन में लिख देता हूं कि लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, और मैं आपकी बात करता हूं तो लैम्डा एम कप्पा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, किसके बात करते हैं हम, डाइल्यूशन, किसके डाइल्यूशन, ये हो जाएगा, ये अपने पास एक रिलेशन मिल जाता, कोई डाउट। अब इनके रिलेशन से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि लैम्डा एम यहां से देखिए इज इक्वल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कप्पा की, ये नंबर ऑफ आयंस पर तो ये भी डिपेंड करता है, तो कप्पा इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अपनी इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और इसी प्रकार से इक्विवेलेंट के केस में भी अपने पास यही होता है कप्पा इनटू वॉल्यूम। तो दो अपने पास क्या मिल जाते हैं, ये फार्मूला मिल जाते हैं, ये तैयार हो जाते हैं दो अलग से, तो ये रिलेशन अपने पास मिल जाता है। तो ये हमने पढ़ा किस प्रकार से अपने पास
लैम्डा एम इंक्रीज होता है डाइल्यूशन पर और कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होती है डाइल्यूशन पर, क्यों? हमने दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ पढ़ा कंसेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस के बीच में। आपको बुक के अंदर वो इकट्ठा ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह का मिलेगा, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कुछ इस तरह से कंसेंट्रेशन और यहाँ पर लैम्डा एम भी मिल सकता और आपको लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इनफिनिटी का भी साइन हो सकता है। तो आपको कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा ठीक है, ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये भी इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा ठीक है। ये चीज थी, आई होप आपको समझ में आया हुआ। हम इसे नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो अब अपना ज़्यादा नहीं बस तीन चार और लेक्चर का अपना ये टॉपिक बचता है, फैराडे लॉ को डिस्कस करेंगे और सेल अपना फिर बाद में जो थ्योरी थ्योरी रह जाएंगी उनके बारे में करेंगे ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और किसी साथी को अगर समझ में नहीं आते ये कॉन्सेप्ट तो उनको बताइए कि किस तरह से उनके पास शेयर कीजिए और इजी से इजी मेथड में समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।